आई वेलकम यू ऑल ऑन विकिपीडिया। सो माय नेम इज दीपाली कक्कड़ एंड एसएससी के इस चैनल पे मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर जो है क्विज वो लेके आऊँ। ठीक है, तो आज हम जो सेशन करने वाले हैं तो ऑल नो कि अक्टूबर के ऑलरेडी हमारे 2 वीक पास हो चुके हैं, तो हम पहले 15 डेज का जो सेशन है उसको आज कंटिन्यू। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए MCQs रहेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप एसएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उसके टेस्ट को आप अच्छे से देना चाहते हैं विद एनालिसिस, तो बेस्ट सॉल्यूशन वुड बी अभी भी दी। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 30 क्वांट के 30 to 49। तो एक बार आपको क्या करनी है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है रिजल्ट के लिए। उसके साथ साथ आपको हमारा जो व्हाट्सएप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपको वो भी जाके ज्वाइन कर लेना है, सो दैट आप सभी जो चीज़ें हैं एग्जाम्स को लेके अपडेटेड रहें। राइट, तो जैसे मैंने बोला, अब हम अपना फर्स्ट सेशन जो है ये उसको शुरू करेंगे। पेज रहेगा आपको साथ साथ क्या है अटेम्प्ट कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, रिसेंटली जो है ये अवार्ड दिया गया है, वॉज रिसेंटली कन्फर्ड टू विच एक्टर और एक्ट्रेस। ठीक है, तो किन को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट। सबसे पहले क्या हुआ, नेशनल फिल्म अवार्ड है। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड रिसेंटली जो है दिए गए हैं। ठीक है, और उन्हीं के अंदर जो है ये दादा साहेब दिया गया है। ठीक है, एंड अब चल तो हमारा 2023 रहा है, राइट, बट ये 2021 के थे, क्योंकि कोरोना के कारण क्या हुआ है, ये पोस्टपोन हो। ठीक है, तो अभी आपको ये बताना है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। ए वहीदा रहमान, बी बालाश्री श्रीदेवी, या फिर डी शबाना आजमी। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये टॉपिक, इम्पोर्टेंट भी याद रखेंगे। ठीक है, करंट के कभी कभी ऐसे जो पेज आते हैं, ठीक है, तो वहीदा रहमान एक वेटरन बॉलीवुड एक्टर है, हमारी एक्ट्रेस है हमारी, उनको जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अल्लू अर्जुन को फॉर द पुष्पा। ठीक है, एंड इसी तरह बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो आलिया को, ठीक है, एंड कृति सनन को दिया है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर आए तो आपको अभी याद रखना है। ठीक है, आलिया भट्ट को किसके लिए मिला है एंड कृति सनन को किस मूवी के लिए मिला है, ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। राइट, तो इन दोनों को कौन सी मूवी के लिए मिला है ये आप कमेंट बताएंगे। ठीक है जी, तो ये जो अवार्ड है इट वॉज कन्फर्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, डायरेक्टरेट्स ऑफ द फिल्म फेस्टिवल के द्वारा जो है दिया था। ठीक है, 2021 दिए गए थे एंड बाकी भी जो है ये अभी रिसेंटली सेरेमनी जो है वो कंक्लूड की गई है दिल्ली में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। ठीक है, एंड अब ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्यों है, ठीक है, बिकॉज इसकी जो एजेंसीज हैं, ठीक है, उसको आप गलत गेस करेंगे इसके टाइटल से। तो एक हिंट मैंने आपको दे दिया, इसलिए ध्यान रखें। इसने निकाली है रिपोर्ट इंडिया एजिंग रिपोर्ट, नीति आयोग, NSO, UNFPA, राइट, या फिर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर निकाली है। ठीक है, आउट ऑफ विच वन इज UNA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन UNF, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एसोसिएशन, राइट। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उनके द्वारा और उनके साथ किसने, इंस्टीट्यूट फॉर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंस द्वारा ये जो रिपोर्ट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट निकाली गई। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि एक हाईलाइट ये है कि करंटली, ठीक है, जो इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, 60 ईयर्स एंड अबव की जो बात की गई का जो ग्रोथ रेट है वो 41% है। इट इज़ रिवील्ड दैट इंडिया की जो पॉपुलेशन है एल्डरली पॉपुलेशन वो 2050 तक कितनी हो जाएगी, 20% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को क्या करना है, स्कीम्स बनानी है अपनी हर तरह की पॉपुलेशन। ठीक है, तो वो फ्यूचर की रिपोर्ट फॉरकास्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। 2050 तक इंडिया की 20% एक 1/5 जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी जी, एल्डरली होगी। उनको क्या ज़रूरत होगी, उनको वेलफेयर उनके लिए, ठीक है, उनके लिए होम्स की रिक्वायरमेंट होगी या फिर उनकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसकी केयर गिविंग होम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए सेटअप क्या एक दिन में हो जाएगा या एक साल में, राइट। तो इसलिए ऐसी रिपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है, ठीक है, जो एल्डर्स की केयर के ऊपर टारगेट करती है उसको जो है रिसेंटली निकाला द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंसेज एंड द
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच कंट्री होस्टेड द एनुअल इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, ठीक है, जिनेवा, उसकी जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वो किसने, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, ठीक है, आपको ये बताना है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी है जो कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, आई गेस 1957 के अराउंड बनी थी, यानी फोकस करते हैं कि एटॉमिक एनर्जी जो है, एनर्जी जो है, कैसे उसको जो है चीप एनर्जी डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, से हम जो है एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसकी रिसेंटली जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पे हुई है, आपको ये, ऑप्शन ए इंडिया, बी ऑस्ट्रिया, सी पेरिस, या फिर डी रोम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है एंड ईजी भी है, तो आंसर इसका क्या है जी, बी ऑस्ट्रिया, ठीक है। एंड कहाँ पे हुई थी एग्जैक्टली, वियना, ठीक है, जहाँ क्या है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर है वियना, या वहीं पे क्या हुई है, ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पे हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में, वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है। ये एटॉमिक एनर्जी को यूटिलाइज करने के ऊपर फोकस करती है, एक इंटरनेशनल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज़ें जो है हमें याद में रखनी, ठीक है। इंडिया अनाउंस इट्स प्लान टू जनरेट 22 गीगावाट पावर थ्रू द न्यूक्लियर एनर्जी अचीव, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि हम एटॉमिक एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इसे यूज़ करके नेट जीरो टारगेट को अचीव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करती है कि शांति प्रिय ढंग से भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। तो एनर्जी जनरेशन करनी है एटॉमिक रिसोर्सेज से, सो दैट क्या हो, हम नेट जीरो टारगेट को, फिर है जी ये हम याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, विच कंट्री इज अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर वल्कन 20, ठीक है, वर्ल्ड की मोस्ट, ठीक है, क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर कौन सी है, 20 तो जो है हमारी, ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल लेजर है, ठीक है। अब इसको कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है ये पूछा गया है, मेन पॉइंट क्या हो गया, अगर पूछा जाए जो सन से भी तेज लेजर का क्लेम किया जा रहा है वो कौन सी है, वल्कन 20, यस, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो लेजर है ये इवन सन की बीम से भी स्ट्रॉन्ग प्रयास कर रही है, कौन सी कंट्री कर रही है, ऑप्शन ए चाइना, बी यूके, सी इजराइल, या फिर डी USA, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल याद रखिए, आई नो कि ऑप्शन इतने सारे हैं ना, जैसे चाइना को आप सोच लेंगे क्योंकि चाइना जो है आर्टिफिशियल सन के ऊपर भी काम कर रहा है ना, ऐसे ही इसराइल जो है इसकी भी आयरन बीम, आयरन डोम जो पॉलिसी उनका वॉरफेयर है ना, राइट, तो उसके कारण यू कैन थिंक अबाउट इसराइल, USA, चाइना, सब सोच सकते हो, ठीक है। बट करेक्ट आंसर वो है जो दिमाग में नहीं आएगा, दैट इज UK, ठीक है। तो बी UK जो है वो करेक्ट आंसर है, ये डेवलप कर रहा है। इन इनका भी मोटिव यही है कि एनर्जी जो है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो उसी लिए ये लेजर बीम जो है इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, सो दैट क्लीन एनर्जी का एक न्यू रिसोर्स जो है वो बनाया जा सके। द UK, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, इज अंडरटेकिंग अ ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर जो है, क्या नेम है, वल्कन 20 जो है, ठीक है, ये जो है UK साइंस एंड टेक जो है फैसिलिटीज द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज एंटिसिपेटेड टू बी मिलियन बिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए किसी भी एग्जाम में आपको दिखती है तो ऐसे को गलत नहीं मानना, ठीक है। क्लीन एनर्जी साइंटिफिक जो हमारी डेवलपमेंट्स होती है उसके साथ साथ इवन कैंसर जो, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए भी इस लेजर बीम की जो है अभी चेक किया जाएगा कि क्या वो हेल्प कर सकती है या नहीं, ठीक है। तो वल्कन 2020 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर कौन डेवलप कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, होपफुली आप सबको याद हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, किरण बालियान क्लिंच इंडिया फर्स्ट मेडल इन 72 years में पहली बार है, बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था, ठीक है। ये पॉइंट जो है काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मिस जाएगा, एंड अगर क्वेश्चन अभी आ गया कि फर्स्ट कौन विनर है तो आप भी क्या करेंगे, किरण बलियान कर देंगे, ठीक है। तो वो नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। किरण बलियान हु क्लिंच द इंडियाज फर्स्ट मेडल इन विच गेम, ठीक है। तो एशियन गेम्स हुई हैं हमारी अभी रिसेंटली, ठीक है, एशियन गेम्स हुई हैं, 19 जो है एशियन गेम्स हुई थी, इंडिया ने पहली बार 100 का क्रॉस जो है वो मार्क किया था, फोर्थ रहे थे टैली पे, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जो है कौन सी गेम में किरण बलियान ने जो 72
के बाद जो है ए वेट लिफ्टिंग, बी शॉर्ट पुट फेंसिंग या डी स्विमिंग, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बोला है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विच वुमेन बॉर्न एशियन गेम्स में, ठीक है, इस जो पर्टिकुलर फील्ड है कौन सी वुमेन ने जीता था, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो आंसर होगा बी, शॉर्ट पुट में किरण बजाज ने आफ्टर अ गैप ऑफ इन द टोटल टाइम स्पैन ऑफ 72 इयर्स पहली बार मेडल जीता, ठीक है। बट अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बोला जाए कि इस जो गेम है शॉर्ट पुट में पहली वुमेन कौन हुई जो मेडल लेके आई इंडिया, ठीक है, तो देयर वर द बारबरा वेबस्टर जो कि एंग्लो इंडियन थी, ठीक है। तो आज़ादी के बाद जब 1951 में हमारे क्या हुए एशियन गेम्स, तो बारबरा वेबस्टर ने जो है शॉर्टपुट में मेडल जीता था, ठीक है। और उसके बाद अब रिसेंटली जीत पाई हैं किरण बलियान, ठीक है। तो इसलिए इतना न्यूज़ में रहा कि आफ्टर अ गैप ऑफ 72 ईयर इस पर्टिकुलर स्पोर्ट दैट इज द शॉर्टपुट, इसमें इंडिया को क्या मिला है, मेडल मिला है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। एंड बलियान थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ दिस इन हर थर्ड अटेम्प्ट एंड फिनिश थर्ड, तो इनको कौन सा मेडल मिला है जी, ठीक है। अगर उन्होंने थर्ड फिनिश किया तीसरे आई है तो ब्रॉन्ज का, ठीक है। एंड वेरी फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द इंडिया वॉज एन एंग्लो इंडियन, नेम क्या है हमारा, बारबरा वेबस्टर, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री, तो अक्टूबर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है हमारे लिए, इसराइल ने क्या, इसराइल और जो पैलेस्ताइन के बीच में वॉर कंफ्लिक्ट चल रही है, राइट, तो उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड इससे अब भी आपका आंसर भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, यूक्रेन, इसराइल, रशिया या फिर यूएस, ठीक है, आंसर वुड बी इसराइल, ठीक है। सो जो हमास ने अटैक किया है ना इसराइल के ऊपर, उसके जो रिटेलिएट करने के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है ये इसराइल ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है वो इसराइल ने लॉन्च किया था, ऐसे ही इसराइल का एक आयरन डोम भी है, ठीक है, तो ये आयरन बीम भी है, तो आयरन वाली तीनों ही चीज़ें आप इसराइल के साथ लिंक कर सकते हो, आयरन डोम, आयरन स्वॉर्ड एंड आयरन बीम, ठीक है। एंड जो आयरन स्वॉर्ड है ये तो उनके ऑपरेशन का नाम है, आयरन बीम जो है उनका अगेन एक वारफेयर का हम बोल सकते हैं कि टैक्टिक है, एंड आयरन डोम भी आपको आई गेस सबको पता होगा कि वो एंटी मिसाइल जो है उनका प्रॉपर डोम है, राइट। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय इसराइल, ठीक है, सो दैट वो काउंटर कर पाए हमास का जो अटैक हुआ है। ऑपरेशन जो है ये टारगेट करता है कि अटैकर्स जो एंटर कर चुके हैं इसराइल में, ठीक है, एंड जो सिविलियंस के ऊपर जो है अटैक कर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए वो इसराइल ने लॉन्च किया था, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ था, तो ये भी हमें याद रखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट कोइपो टू प्रोवाइड अ फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज बिलोंग टू विच कंपनी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कोइपर जो है जो कि फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड सर्विसेज देता है, वो ये किस कंपनी का है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अगेन कोइपर प्रोजेक्ट के अंडर भी जो सैटेलाइट्स हैं इनको फिर लॉन्च किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट किसका है, स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी का, राइट, एंड दूसरा जो है ये प्रोजेक्ट है कोइपर, ठीक है, एंड ये किसका है ये बताना, इसमें भी क्या होगा, सेम सैटेलाइट्स के थ्रू जो है अर्थ के अराउंड कॉन्स्टेलेशंस बना दी जाएंगी, सो दैट जो इंटरनेट है फास्ट हो जाए, इजी एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट काइपर अब किस, स्पेसएक्स का, अमेज़न का, ब्लू ओरिजिन या फिर गूगल, ठीक है। तो स्पेसएक्स का कौन सा है, स्टारलिंक, राइट। हमने देखा कि स्टारलिंक जो है वो स्पेसएक्स का है, काइपर मिशन का है, तो काइपर का करेक्ट आंसर है जी अमेज़न की जो एक सब्सिडरी कंपनी है विच इज कैरियरिंग द which is going to carry out the project Kuiper, ठीक है। So project Kuiper is a subsidiary of the Amazon that was established in 19, ठीक है। And इसका goal क्या है, goal है कि fast affordable जो है internet services को पहुंचाना है underserved जो है communities, जिन तक नहीं पहुंच पाए, underserved communities, ठीक है, underserved जो communities, right? And Amazon ने जो है recently इसके लिए satellites भी launch करनी शुरू, ठीक है, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023, सेम क्वेश्चन जो है एक नबार्ड के भी एग्जाम में किया था, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस एज वेल। सो क्वेश्चन बहुत इजी है कि नोबेल प्राइज जो मेडिसिन का मिला है 2023 में, क्या कैटलिन करिया को एंड ड्रू वेस्टमैन दिया गया था, कौन से वर्क के लिए मिला है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ए हेपेटाइटिस वायरस, बी जो mRNA वायरसेज हैं वैक्सीन है उनके लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन चैप्टर फॉर द टेम्परेचर, ठीक है। तो आंसर इज बी, ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन उन्होंने डेवलप की के लिए, ठीक है। एंड इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड में, उसमें पूछा गया था एम की फुल क्या है,
आई होप कि अगर हम जो करंट के नोबेल प्राइज हैं उसको तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए, क्या कि कौन सी फील्ड में दिया गया है, किसको दिया गया है एंड क्या जो है उससे इंपॉर्टेंट आउटकम निकले, ठीक है। तो वैसा ही ये भी क्वेश्चन था, तो यू नो कि mRNA वैक्सीन के लिए जो है वो दिया गया था कैटलिन कैरियोके एंड ड्रू वेस्टमैन, ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2023, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द BR अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो है सबसे बड़ा BR अम्बेडकर का स्टैचू जो बन रहा है ऑफ इक्वालिटी बोला जाएगा, कौन सी कंट्री में होगा, ठीक है, UK, US, जर्मनी या फिर फ्रांस, ठीक है, ABCD में से क्या है करेक्ट आंसर, द आंसर इज B, USA के मैरीलैंड में बनने वाला है, ठीक है। एंड अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के अंदर जो है सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो कहाँ पे है, तो वो है हैदराबाद, ठीक है। देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी विल बी इनॉग्रेटेड इन द अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर मैरीलैंड स्टेट ऑफ US, ठीक है, इट विल बी द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया, इट विल बी द रेप्लिका ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अम्बेडकर इन हैदराबाद, ठीक है जी। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बी आर अम्बेडकर का जो स्टैचू है वो हैदराबाद में है, इट इज 125 feet tall, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, स्टैचूज भी अभी काफ़ी जो है पीछे न्यूज में थे तो उनमें आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंटरेस्टिंग वन, विच स्टेट और यूटी होस्ट द समाका सरलम्मा यात्रा ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है, अगर मैंने गलत नेम लिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, बट कुछ टर्म जो होती हैं हम उनसे क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, हमें पता ही नहीं होते, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल फेस्ट है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्ट है, कोया ट्राइब जो है ना उसके जो जनजाति के लोग हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट, ठीक है। तो समाका सरलम्मा यात्रा जो है ये एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्ट है, इसको सेकेंड कुंभ ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इंडिया का दूसरा कुंभ भी इसे बोलते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेट ने इसे होस्ट किया था, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर बिहार, ठीक है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इजीली पूछ हो सकते हैं ट्राइबल वर्ड पढ़ के ही, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, तेलंगाना, ठीक है, याद रखिएगा, तेलंगाना में जो ये फेस्टिवल है, जो ट्राइबल फेस्टिवल है, ये होस्ट किया गया था। तो तेलंगाना होस्ट है बाइनियल फेस्टिवल नोन एज द समाका सरलम्मा यात्रा, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, एंड एशिया की सबसे बड़ी जो गैदरिंग है ट्राइबल पीपल। इवेंट कमेमोरेट्स द 13th सेंचुरी जो है रेजिस्टेंस की गई थी बाय अ मदर डॉटर डुओ अगेंस्ट द रूलर्स हु हैड इंपोज्ड टैक्सेस, ठीक है। तो उसी इवेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो ये यात्रा है ये ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन से लोग, कोया ट्राइब के लोग, ठीक है। एंड द यात्रा और पिलग्रिमेज फीचर जो है जो कोया लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके ही जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, या उनके जो भी रूल्स होते हैं उनको माना जाता है, उनके कस्टम ट्रेडिशन जो है वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, तेलंगाना में ये हुई थी ट्राइबल की, जो एशिया की सबसे बड़ी ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है, कोया ट्राइब के लोग करते हैं, तो ये कहाँ पे थी, तेलंगाना में, नेम है समाका सरलम यात्रा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर है टोकनाइजेशन एसोसिएटेड विद, ठीक है, क्रिप्टोकरेंसी, पेमेंट सिक्योरिटी, बायोटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज AI तो बहुत न्यूज में है, पर टोकनाइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि बैंक्स क्या ऑफर कर रहे हैं, कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो रेदर देन यूजिंग योर कार्ड नंबर आप एक कोड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपके कार्ड के साथ एक टोकन असाइन कर दिया। एक और चीज़ की, जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल शॉपिंग साइट्स आप यूज़ करते होंगे, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर जो है सेलर के साथ डील करना है तो हर बार कार्ड डिटेल्स की बजाय आप अपना वो टोकन जो एक पेमेंट स्पेसिफिक होगा, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेलर के साथ जुड़ा होगा वो टोकन, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर मुझे मिंत्रा के साथ पेमेंट करनी है, ठीक है, या फिर मुझे अमेज़न के साथ करनी है, तो मैं क्या करूँगी, बार बार कार्ड डिटेल्स डालने की बजाय एक टोकन मेरा मिंत्रा के साथ जनरेट हो जाएगा, दूसरा टोकन जो है वो मेरा अमेज़न, ठीक है। तो अब जब मुझे पेमेंट करनी होगी तो रेदर देन पुटिंग माई कार्ड डिटेल्स, मैं क्या करूँगी, ये टोकन डिटेल डालूंगी। ये टोकन डिटेल्स क्या है, ये सेलर स्पेसिफिक, ठीक है। सो ये वाला टोकन यहाँ यूज होगा एंड जो अमेजन वाला टोकन है वो मिंत्रा पे यूज। तो इसमें क्या हुआ, पेमेंट सिस्टम को और क्या है, सेव किया गया है, सो दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट योर कार्ड डिटेल्स अगेन एंड अगेन। एंड अगर किसी को वो टोकन डिकोड कर भी लिया तो वो एक साइड का है, वो दूसरी साइड में यूज ही नहीं होगा,
है, तो ये क्या है, एक पेमेंट सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया इसे? तो आंसर क्या हो गया हमारा, पेमेंट सिक्योरिटी। तो टोकनाइजेशन जो टर्म है वो किससे जुड़ी हुई है, वो पेमेंट सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, जिसमें सेलर स्पेसिफिक जो है डिटेल्स को रिप्लेस करके टोकन्स जनरेट कर दिए जाएंगे। जो टोकन्स हैं दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लाइक यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैंने किसी और साइट का किसी और साइट के साथ कर लिया, नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर वुड बी पेमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूज अब क्या आंसर किया है, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, ठीक है, 2021 में हुआ था, ठीक है, बिगिन इम्प्लीमेंट 2022 से हुई है। टोकनाइजेशन क्या होगी, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्चुअल कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेटिव कोड, जिसको हम क्या बोलेंगे, टोकन, ठीक है। तो अगर प्रॉपर याद रखना है कि क्या स्कीम के अंदर या क्या मैकेनिज्म लाया गया है, तो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, कार्ड को फाइल में डाल के बंद कर दीजिए, टोकन को, ठीक है, जैसे भी याद रहे, रखना है कि टोकनाइजेशन पेमेंट से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कबड्डी टीम हैज क्लिंच्ड द गोल्ड, ठीक है, एट द एशियन गेम्स इन द 2023, ठीक है। तो गोल्ड जो मेडल है या फिर एशियन गेम्स में जो कबड्डी चैंपियनशिप है वो कौन बने हैं, ईरान, इंडोनेशिया, इंडिया या फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बोथ वुमेन एंड द मैन जो है कबड्डी के टीम की जो विनर्स हैं, दोनों ही एक ही कंट्री के हैं, ठीक है। सो द आंसर वुड बी सी, इंडिया, राइट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बोला कि इंडिया के 100 का टैली का जो मार्क है ना, पहली बार एशियन गेम्स पार हुआ है, ठीक है, 107 जो है मेडल्स के साथ वी वर ऑन द 4th रैंक, राइट। तो जो एशियन गेम्स है इसमें कबड्डी में इंडिया ने ही जो है मेन्स में अपना टाइटल क्लिंच किया है, एज वेल एज द वुमेन्स, ठीक है। तो जो मेन्स टीम है उन्होंने हराया था ईरान की टीम को, एंड वुमेन्स टीम ने ताइपाई ताइवान की टीम को हराया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन है, मुश्क बुज्जी राइस, ठीक है। तो ये जो मुश्क बुज्जी राइस हैं, जो कि एक एरोमेटिक राइस हैं, कल्टिवेटेड इन विच स्टेट और यूटी, ठीक है, कौन सी स्टेट या यूटी में जो है वो कल्टिवेट किया जाता है, पंजाब, आसाम या फिर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो द आंसर वुड बी अगेन सी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको GI टैग दिया गया है, ठीक है। वैसे ही जो मुश्क बुज्जी राइस हैं ये भी न्यूज़ में थे, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वल्नरेबिलिटी, ठीक है, क्या होता है जो चीज़ें किसी स्पेसिफिक जगह तक, ठीक है, इकोसिस्टम में क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफिक जगह में ही जो है अगर कोई प्रोडक्ट है जो ओरिजिनेट करेगा, अगर वहाँ पे पूरी डिजीज आ गई तो क्या होगा, वो पूरी स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी जो स्पीशीज है ना ये वल्नरेबल है टू डिजीज एंड लिमिटेड टेंशन के कारण क्या है ये न्यूज में रही थी, ठीक है। एंड अथॉरिटीज प्लानिंग टू रिवाइव द कल्टीवेशन एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये राइस वेराइटी जो है कहाँ बिलोंग करती है, कश्मीर, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेशन है, विच कंट्री हैज सेट टू लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी द मेटल रिच एस्टेरॉयड कॉल्ड 16 साइक, ठीक है। तो क्या है एस्टेरॉयड का नाम, क्या है साइक, एंड मिशन का नेम भी यही है, ठीक है, साइलेंट है, साइक इज द नेम ऑफ द साइक मिशन, के लिए भेजा गया है मेटल रिच, पहली बार हुआ है मेटल रिच एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजा जाए। यू मस्ट बी थिंकिंग कि पहली बार मेटल रिच कैसे, क्योंकि एस्ट्रॉयड जो हैं दे आर फॉर्म ऑफ द मिनरल्स है ना, उनमें मिनरल्स भी हैं, उनमें सैंड डस्ट पार्टिकल्स भी देखते हैं, स्पेस डस्ट भी, बट साइक जो 16 है बोला जा रहा है ये काफ़ी मेटल रिच, ठीक है। तो इसके लिए जो स्पेस क्राफ्ट है वो कौन सी कंट्री भेज रही है, या USA, रशिया या फिर चाइना, ठीक है। सो द आंसर वुड बी USA की जो नासा है वो साइक मिशन है फॉर साइक 16, विच इज अ मेटल रिच एस्ट्रॉयड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेटल रिच एस्ट्रॉयड के लिए, वो जो है उसकी जांच करने के लिए, उसके एक्सप्लोरेशन करने के लिए जो है एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, ठीक है। अक्टूबर की ये भी काफ़ी स्पेस टेक की हम, ठीक है जी, वो भी हम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन है, श्रेष्ठ स्कीम, ठीक है, श्रेष्ठ स्कीम जो है विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री। तो श्रेष्ठ स्कीम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 3,000, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स या बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट्स उनको एजुकेशन के मीन्स मिले, ठीक है। तो दो तरह के इसके जो है डोमेन्स, पहले ये देखना है ये जो श्रेष्ठ स्कीम है ये लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये जो स्कीम को लॉन्च किया था, विच इज द श्रेष्ठ स्कीम। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस, ऐसे ऑप्शन ठीक है अगर रह जाते हैं तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए चेंज करता हूँ। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इंडिया में 2022 में स्कीम जो है लॉन्च की गई। ठीक है, 2021 में आई गेस ये 2021-22 के साइकिल में लॉन्च हुई थी, एंड 2022-23 के जो साइकिल है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्कीम का फुल नेम है स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया। अब टारगेटेड एरियाज क्यों बोला गया है, क्योंकि वो एरिया जहाँ तक जो है स्टूडेंट्स तक जो है प्रॉपर फैसिलिटीज उनको मेन स्ट्रीम लाइन में ले स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन द हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। हाई स्कूल में मतलब 9th एंड जो प्लस वन है वहाँ पे जो है फोकस किया जाएगा। ठीक है, हाई स्कूल्स में फोकस किया जाएगा, रेजिडेंशियल मतलब प्रॉपर उनको रहने के लिए हॉस्टल्स दिए जाएंगे, टारगेटेड एरियाज बिकॉज वो हर एक के लिए नहीं है। ठीक है, इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं जो मौके हैं नहीं मिले हैं। ठीक है, एंड द मेन गोल इज टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ द गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या है, उनको रहने की फैसिलिटी भी दी जाएगी। 2021-22 में किया गया था। स्कीम का फुल नेम है स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन द हायर स्कूल्स इन द टारगेटेड एरिया, द श्रेष्ठ स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो है इम्पोर्टेंट एंड आई होप कि आपको आज के सेशन में जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने अच्छे से रिवाइज किए हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड अगर नहीं अच्छे से आप रिवाइज कर पाए तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो दैट आप दोबारा से रिवाइज कर पाएँ, इट वुड वेरी हेल्पफुल। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है शेयर कर दीजिए, एंड ऐसे ही अभी पीडिया के साथ जुड़े रहिए किसी एग्जाम्स की फुल फ्लेज तैयारी के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट सेशन। कीप लर्निंग।